साल 2024 के चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी शासित प्रदेशों में इसे लेकर खूब चर्चा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समान नागरिक संहिता का पुरजोर समर्थन कर संकेत दिया है कि सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लंबे समय से लंबित विषय समान नागरिक संहिता को प्राथमिकता दे सकती है। उधर उत्तराखंड में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कुछ बातें सामने आई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात का ऐलान किया है कि उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। यहां एक बात गौर करने वाली है कि गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से ही लागू है। दरअसल गोवा में पुर्तगाल सरकार ने ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया था। साल 1961 में गोवा सरकार उक्त सिविल कोड के साथ ही बनी थी। ऐसे में उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसकी कैबिनेट ने सिविल कोड लागू करने का निर्णय लिया है, जिनमें बताया गया है कि इसके तहत कानून क्या क्या होंगे, उल्लंघन करने पर कौन से अधिकार छीन लिए जाएंगे, सब कुछ बताएंगे। लेकिन पहले ये जानते हैं कि आखिर क्या है यूसीसी। नमस्कार, मैं हूँ भारत कोठियाल। आगे देखते हैं रिपोर्ट में। कानून की एक नज़र में सब एक समान होते हैं, जाति से परे, धर्म से परे और इस बात से भी परे कि आप पुरुष हैं या महिला है। कानून सबके लिए एक ही है। शादी, तलाक, अडॉप्शन, उत्तराधिकार, विरासत, सब बढ़कर लैंगिक समानता, ये वो कारण है जिस वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता महसूस की जा रही है। संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड शब्द का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि भारत में हर नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास होना चाहिए। संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान को बनाते समय कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है। अब ये जानते हैं क्यों जरूरी है यूनिफॉर्म सिविल कोड। दरअसल भारत में जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून और मैरिज एक्ट हैं। अलग अलग कानूनों के कारण न्यायिक प्रणाली पर भी असर पड़ता है। दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून हो। इसे ऐसे समझें कि भारत में हिंदुओं के लिए हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ, यहां तक कि ईसाई और पारसियों के लिए भी अलग पर्सनल लॉ है। कुल मिलाकर शादी, तलाक, संपत्ति विवाद, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे मामलों में लगभग हर धर्म के लिए अलग अलग कानून है। अब सरकार का मानना है कि समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में सुधार आएगा। कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने जैसे मामले भी एक समान नियम लागू होंगे। समान नागरिक संहिता के समर्थकों का मानना है कि अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून से न्यायपालिका पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। यूसीसी से इस परेशानी में काफी हद तक निजात मिलेगी। शादी, तलाक, गोद लेना और जायदाद के बंटवारे में सबके लिए समान कानून होगा, चाहे फिर वो किसी भी धर्म को मानने वाला क्यों ना हो। यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि दुनिया के ज्यादातर देशों में वहां के नागरिकों के लिए एक ही कानून है। इससे पहले समान नागरिक संहिता को लेकर सांसदों की राय जानने के लिए संसदीय स्थायी समिति की 3 जुलाई को बैठक बुलाई गई थी। इस मुद्दे पर विधि आयोग कानून मामलों के विभाग और विधायी विभाग के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया था। यह बैठक बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक के दौरान समिति के सदस्यों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। इस पर उन्होंने कहा कि समिति कोई फैसला या आदेश नहीं दे रही है, अभी सिर्फ चर्चा कर जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या कुछ चल रहा है। इसे ध्यान में रखना होगा कि ये एक फैमिली लॉ नहीं बल्कि समाज के हर धर्म, जाति, समुदाय से जुड़ा हुआ मामला है। समिति ने सिख समुदाय के लोगों का जिक्र करते हुए कहा कि वहां पर शादी के लिए आनंद मैरिज एक्ट है, उस पर भी असर पड़ेगा, जिसके लिए अब तक 19 लाख सुझाव आए हैं। इसके अलावा आदिवासी, खासतौर पर पूर्वोत्तर राज्यों पर इसका असर नहीं पड़े, ये भी सुझाव आए हैं। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड लंबे समय से भाजपा के एजेंडे में शामिल रहा है। पार्टी इस पर संसद में कानून बनाए जाने को लेकर जोर देती रही है। साल 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने इसे अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया था। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पिछले साल यानी शुक्रवार 9 दिसंबर 2022 को भारी हंगामे के बीच राज्यसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को पेश किया था। विपक्षी दलों ने भी इस विधेयक पर जमकर विरोध किया था और सदन में खूब हंगामा भी हुआ था। इस विधेयक के पक्ष में 63 वोट पड़े थे जबकि 23 वोट इसके विरोध में पड़े थे। अब ये जानते हैं कि पीएम मोदी ने इस बारे में क्या कहा है। भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश में समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए कहा कि एक ही परिवार में दो लोगों के लिए अलग अलग नियम नहीं हो सकते हैं। ऐसी दोहरी व्यवस्था में घर कैसे चल पाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारता है,
कहता है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग इसमें अड़ंगा लगा रहे हैं। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग। समान नागरिक संहिता पर प्रधानमंत्री के आए बयान के बाद ज्यादातर विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि 2024 के चुनाव से पहले पीएम मोदी ने बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी का सिगुफा छेड़ा है और वो जनता को गुमराह करना चाहते हैं। हालांकि कुछ विपक्षी पार्टियां इसके समर्थन में भी हैं। ज्यादातर विपक्षी पार्टियां समान नागरिक संहिता का विरोध ही कर रही हैं। इन पार्टियों का मानना है कि यूसीसी अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करेगा और यूसीसी आवश्यक नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत कानूनों की वर्तमान प्रणाली अच्छी तरह से काम कर रही है। विपक्षी दलों का आरोप है कि यूसीसी का इस्तेमाल सत्तारूढ़ बीजेपी देश पर हिंदू बहुसंख्यकवाद थोपने के लिए करेगी। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू, सीपीआई, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, सीपीआईएम ने इसका खुलकर विरोध किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। प्रधानमंत्री जी के द्वारा गठित जो विधि आयोग है, लॉ कमीशन है, उन्होंने ही उसको इस मामले को दिया था विचार के लिए, और उन्होंने विचार करके लॉ कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया है उसमें इसको सही नहीं बताया है। बताया कि अभी इस देश में इसकी न आवश्यकता है, न इसकी ज़रूरत है, न ये वांछनीय है, डिजायरेबल भी नहीं है। चुनाव में ये ऐसा विषय है जिस पर सभी राजनीतिक दलों को, सभी स्टेक होल्डर्स को एंगेज करना चाहिए, वरना ये चुनावी प्रक्रिया का एक सगुफा बन के रह जाए। वहीं आम आदमी पार्टी ने सैद्धांतिक तौर पर इसका समर्थन किया है। पार्टी नेता और सांसद संदीप पाठक ने कहा, हमारी पार्टी सैद्धांतिक रूप से इसका समर्थन करती है, आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करता है। चूंकि ये सभी धर्मों से जुड़ा मामला है, ऐसे में इसे तभी लागू किया जाना चाहिए जब इस पर सर्वसम्मति हो। देखिए, सैद्धांतिक रूप से हम इसके समर्थन में हैं। आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करती है कि देश में यूसीसी होनी चाहिए, लेकिन चूंकि यह मुद्दा ऐसा है जिसमें कि सभी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस मुद्दे के लिए वाइडर कंसल्टेशन हो, लार्ज स्केल पर बातचीत हो, सभी धर्म से, सभी संप्रदाय से, सभी राजनीतिक दलों से। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो आने वाले समय पर आप रिवर्स नहीं कर सकते, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो देश के लिए बहुत मूलभूत होते हैं। ऐसे मूलभूत मुद्दों पर अथॉरिटेरियन तरीके से जाना वो ठीक नहीं होगा, तो वाइडर कंसल्टेशन की ज़रूरत है, सबसे बातचीत करके कंसेंसस बिल्ड करनी चाहिए इस पर, ये हमारा मानना है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का भी कुछ यही रुख है। उधर एनसीपी ने ना तो इसका समर्थन किया है ना ही विरोध। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल का कहना है कि हम ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाना चाहिए। अचानक 9.5 साल बाद सरकार अब यूसीसी की बात कर रही है, यह अगले चुनाव को देखते हुए एक राजनीतिक चाल है। एक बात निश्चित है कि जिस जल्दबाजी में 9.5 साल के बाद अचानक ये सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के बारे में चर्चा की है, तो ये भी एक प्रकार से ये निश्चित राजनीतिक एक मतलब आगे का एक दाव है, और ये चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लाया जा रहा है। अब एक नजर डालते हैं कि अगर बीजेपी इस बिल को लागू करती है तो संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में उसको समर्थन हासिल होता भी है या नहीं। लोकसभा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत में है। लोकसभा में अकेले बीजेपी के पास 300 से ज्यादा सांसद है,
एनडीए के घटक दलों को भी जोड़ ले तो आंकड़ा 350 सीट के आसपास पहुंच जाता है। लोकसभा से बिल पारित कराने में बीजेपी के सामने किसी तरह की अड़चन नहीं आएगी। लोकसभा का नंबर गेम पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन राज्यसभा में तस्वीर दूसरी है। राज्यसभा की बात करें तो इस समय उच्च सदन की 8 सीटें रिक्त है और कुल सदस्य संख्या 237 है। ऐसे में वर्तमान संख्या बल के आधार पर राज्यसभा से बिल पारित कराने के लिए 119 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी। बीजेपी सांसद हरिद्वार दुबे का हाल में ही निधन हो गया था, जिसके बाद पार्टी के पास राज्यसभा में 91 सांसद बचे हैं। बीजेपी के गठबंधन सहयोगियों की सीटें भी मिला ले तो संख्या बल 108 तक ही पहुंचता है। ऐसे में उस सदन से बिल पारित कराने के लिए बीजेपी को 11 और सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। आम आदमी पार्टी के पास राज्यसभा में 10 सांसद है। पार्टी ने यूसीसी का समर्थन करने का ऐलान भी कर दिया है। शिवसेना यूबीटी भी यूसीसी के मुद्दे पर सरकार के समर्थन में है। शिवसेना यूबीटी और आम आदमी पार्टी दोनों अगर यूसीसी के पक्ष में मतदान करते हैं तो बीजेपी की राह आसान हो जाएगी। अगर आम आदमी पार्टी यूसीसी के समर्थन में वोट नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस बीआरएस का रुख अहम हो जाएगा। इन दलों ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस दोनों के ही राज्यसभा में 9 सांसद हैं, जबकि बीआरएस के 7। तीनों दल अगर यूसीसी के पक्ष में वोट करते हैं तो ये बिल उच्च सदन में आसानी से पारित किया जा सकता है। अब बात उत्तराखंड की करते हैं तो यूसीसी को एक बार फिर खबरों में लाने वाला उत्तराखंड राज्य ही है। उत्तराखंड में बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया था, जिस पर सरकार बनने के बाद से ही काम शुरू हो गया था। अब सीएम धामी ने बताया है कि जल्द इसे लागू किया जा सकता है। राजधानी देहरादून में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बात का ऐलान किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने भी बेहतर समाज और राष्ट्र के लिए यूसीसी को जरूरी बताया। सीएम धामी ने दावा किया कि प्रदेश के लोगों का यूसीसी को पूरा समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यूसीसी किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं बल्कि समस्त जन सामान्य के लिए है। इस सबके उत्थान के लिए है, हम इसको इसीलिए ला रहे हैं। सभी स्टेक होल्डरों से बात हो रही है और सबकी राय ली जा रही है, जन सामान्य की भी राय ली गई है, विधि के विशेषज्ञों की भी राय ले रहे हैं और सभी से बात करने के बाद चूंकि ये मॉडल उत्तराखंड का जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि पहला मॉडल होगा जो आगे चलकर सभी के लिए एक रोड मैप की तरह काम करेगा। इसलिए जल्दी ही चूँकि जून माह के अंत तक हमको कमेटी की रिपोर्ट मिल जाएगी और उसका ड्राफ्ट जैसे ही हमको मिलेगा हम उसमें आगे काम। सर, किसी भी विरोध की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, केवल विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हम किसी को किसी दुर्भावनाओं से नहीं ला रहे हैं, हम तो देश के सभी वर्गों के हितों के लिए ला रहे हैं इसको। दरअसल 27 मई 2022 को सरकार ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक समिति बनाने का निर्णय लिया था। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई सेवानिवृत्त की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। समिति में न्यायाधीश रिटायर्ड प्रमोद कोहली, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, दून विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर सुरेखा डंगवाल, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड शामिल हैं। कमेटी की माने तो समान नागरिक संहिता पर अंतिम रिपोर्ट बनाने के लिए कम से कम 143 बैठकों का आयोजन किया गया। अंतिम बैठक 24 जून 2023 को दिल्ली में हुई, जिसमें उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों के लोगों से बातचीत कर उनकी राय ली गई थी। समिति ने 2.5 लाख से अधिक सुझावों पर विचार विमर्श किया। समिति ने यूसीसी को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए उत्तराखंड वासियों, गैर सरकारी, सरकारी संस्थाओं, संगठनों आदि से सुझाव मांगे थे। समिति ने ऑनलाइन सुझाव आमंत्रित करने के लिए एक पोर्टल भी तैयार किया था। इसके अलावा समिति ने ड्राफ्ट तैयार करने के लिए विदेश के कुछ कानूनों का अध्ययन भी किया है। एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी 27 मई 2022 को और विशेषज्ञ समिति से यह अपेक्षा की थी कि वो उत्तराखंड के में रहने वाले लोगों के व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी कानूनों का परीक्षण करें और उसके पश्चात अपनी संस्तुतियां पेश करें कि उन कानूनों में कोई फेरबदल किया जाना है या यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाना है, और यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाना है तो उसकी रूपरेखा भी तैयार करें। कमेटी द्वारा एक उप समिति बनाई गई थी। उप समिति से अपेक्षा की गई कि वो आम जन के विचार आमंत्रित करें, उसे जानने की कोशिश करें। कमेटी ने यह काम प्रारंभ किया और सबसे पहले जो सीमांत गांव है और जो ट्राइबल गांव है
अनुसूचित जाति से बाहुल्य गांव है माना, वहां सब कमेटी गई और उसके पश्चात पूरे उत्तराखंड के सभी जिलों में जाकर सब कमेटी ने लोगों से चर्चाएं की, उनके विचार जाने। इस कड़ी की आखिरी मीटिंग 24 जून 2023 को दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें नेशनल कैपिटल रीजन में रहने वाले लोगों जो उत्तराखंड के निवासी हैं उनको आमंत्रित किया गया और उनके भी विचार सुने गए। उपसमिति ने 143 अलग अलग बैठकें की जो कि क्षेत्रों में भी थी और देहरादून में भी थी। जस्टिस देसाई ने मीडिया से ड्राफ्ट के बारे में कहा, उत्तराखंड की कुल जनसंख्या 10 मिलियन है, हमें 2.31 लाख से अधिक लिखित सुझाव मिले हैं, हमारा जोर महिलाओं, बच्चों और विकलांग व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए लैंगिक समानता सुनिश्चित करने पर है, हमने मनमानी और भेदभाव को खत्म करके सभी को समान स्तर पर लाने की कोशिश की है, इसके लिए हमने कई मुस्लिम देशों समेत बाकी देशों के मौजूदा कानूनों को भी स्टडी किया है। आपको डिटेल चाहिए? कुल मिलाकर 2,31,000 से कुछ अधिक रिटर्न सबमिशंस प्राप्त हुए और मिले कमेटी को। इसके अलावा जो उप समिति और समिति के लोग जब बाहर गए, लोगों से उन्होंने इंटरेक्ट किया, तो लगभग 20,000 लोगों से बातचीत की। आपको ये कहती हूँ, हमारा एम्फोसिस है जेंडर इक्वली, हमने सबको इक्वल स्टेटस फुटिंग पे लाने का प्रयत्न किया है और डिसेबल को भी लिया है, सोचा है डिसेबल के बारे में और विमेन चिल्ड्रन एंड डिसेबल और फोकस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस एंड डिस्क्रिमिनेशन। यस माय ब्रदर सेज एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस एंड डिस्क्रिमिनेशन। जस्टिस देसाई बोली, हमने सब कुछ देखा है, पर्सनल लॉ की भी स्टडी की है, विधि आयोग की रिपोर्ट को भी पढ़ा है, आप हमारा मसौदा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि समिति ने हर चीज पर विचार किया है, यदि यह मसौदा लागू होता है तो हमारे देश का धर्म निरपेक्षता नाबाना मजबूत होगा। समिति प्रमुख ने कहा कि समिति ने उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित पारंपरिक प्रथाओं को बारीकियों से समझने की कोशिश की, समिति की रिपोर्ट और ड्राफ्ट कोड जल्द ही प्रिंट करवाकर उत्तराखंड सरकार को सौंपा जाएगा। हमने सब कुछ देखा है, जो प्रिवेलेंट पर्सनल लॉ है वो सब स्टडी करके हमने हमारा ड्राफ्ट बनाया है। हमारे जब आप ड्राफ्ट पढ़ेंगे आपको लगेगा कि इस कमेटी ने सब कुछ कंसीडर किया है। वही मंगलवार 4 जुलाई को सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि यूसीसी को लेकर कुछ खबर आएगी, लेकिन सीएम धामी ने कहा कि हमारी पीएम के साथ मुलाकात जोशीमठ में प्रभावित लोगों की मदद करने और कांवड़ यात्रा को लेकर थी। यूसीसी को लेकर सवाल पर सीएम धामी ने कहा कि अभी तो यूसीसी कमेटी का ड्राफ्ट पूरी तरह से हमें नहीं मिला है, जब उनका ड्राफ्ट हमें मिलेगा तब ही कुछ कह पाना संभव हो सकेगा। और साथ में जोशीमठ में जो आपदा आई थी, उस आपदा से तमाम क्षतिपूर्ति होनी है, लोगों का पुनर्वास होना है, उस पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि उस पर उनकी तरफ से सकारात्मक रूप से सहयोग किया जाएगा केंद्र की तरफ से। देखिए, अभी तो चूंकि यूसीसी कमेटी का ड्राफ्ट कंप्लीट रूप से हमें नहीं मिला है और उनका ड्राफ्ट जब मिलेगा तो उस पर तभी कुछ कह पाना संभव होगा। वहीं एक सवाल के जवाब पर सीएम धामी ने कहा कि ट्राइबल लोगों के बीच में जाकर यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी ने काम किया है, कमेटी ने वहां से फीडबैक लिया है, उसी के आधार पर काम होगा। उन्होंने कहा कि पीएम साहब की सोच यही है कि इसे पूरे देश में लागू होना चाहिए और हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यूसीसी कब तक लागू होगा के सवाल पर सीएम धामी ने कहा कि हम बहुत देर भी नहीं करेंगे और जल्दबाजी में भी ऐसा काम नहीं होगा कि कुछ ऊपर नीचे हो जाए, बहुत सोच समझ कर उस पर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें जल्द से जल्द इसे लागू करना है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। देखिए, चूंकि क्या है कि इस पे यूसीसी कमेटी ऑलरेडी काम कर रही है और ट्राइबल्स के बीच में भी और आदिवासी क्षेत्रों में भी, बहुत सीमांत क्षेत्रों में भी उस कमेटी ने ट्राइबल्स लोगों के बीच में जाकर भी उनके समूह से भी बात की है और उनके विचार भी लिए हैं, तो उसका सबका संकलन है उसमें यूसीसी कमेटी में। पीएम साहब, देखिए, चूंकि उनको सभी इसके प्रावधानों के बारे में और उनकी सोच ही है कि देश के अंदर ये लागू होना चाहिए और उन्होंने स्वयं ही अपने वक्तव्य में कहा है, इसलिए उनको अधिकांश चीजों की सबकी जानकारी है। हम बहुत देर भी नहीं करेंगे और जल्दबाजी में जो है ऐसा काम भी नहीं होगा कि जो है कि
कोई ऊपर का नीचे हो जाए, इसलिए बहुत सोच समझ कर उस पर काम होगा। आप जल्दी मानिए कि जल्दी थोड़ा इंतजार कर लीजिए। वहीं यूसीसी को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस खुलकर विरोध नहीं कर रही है, लेकिन सरकार पर सबको साथ लेकर चलने और सभी धर्मों का आदर करने को लेकर हमले भी बोल रही है। साथ ही पार्टी अब नई व्यवस्था लागू करने से पहले सभी धर्मों को विश्वास में लेने और हिंदू धर्मावलंबियों में जनजातियों, आदिवासियों, महिलाओं और अनुसूचित जातियों को केंद्र में रखकर सरकार की घेराबंदी में जुट गई है। उत्तराखंड प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि जनहित में कोई भी कानून बनाने से पहले सभी धर्मों का ध्यान रखा जाना चाहिए। आज जनता पर जबरन कानून थोपने की कोशिश की जा रही है, ऐसा राजशाही में होता था। समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए जनता को ध्रुवीकृत करना सरकार और सत्तारूढ़ दल का उद्देश्य है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत का कहना है कि कॉमन सिविल कोड में विभिन्न राज्यों में आदिवासियों, जनजातियों, मातृसत्तात्मक समाज में लागू अपने अपने कानून को लेकर सहमति बनाई जाए। राज्य के भीतर कुछ सामाजिक समूह जिनकी प्रथाएं कानूनी तरीके से विद्यमान हैं, विभिन्न मंदिरों और धर्म स्थलों से भी पूछा जाए कि महिलाओं व अनुसूचित जाति के प्रवेश को समान कानून बनाएंगे। कॉमन सिविल कोड एक चतुराई भरा नारा लगता है। हमारे देश के अंदर बहुलवादी देश है, अलग अलग तरीके की संस्कृतियाँ हैं, परंपराएं हैं, आदिवासियों के अलग हैं, जनजातियों के अलग हैं, फिर मंदिरों में प्रवेश के संबंध में अलग हैं, धर्मों की अलग अलग तरीके की सोच है। उन्होंने सहमत करवाने का प्रयास अच्छी बात है, हम कहीं उसमें कोई घोड़ा छोड़ डालें, लेकिन कोई चीज थोप ही नहीं जाए, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर थोपना जो है सारे समाज माहौल को विश्वास। अब भले ही समर्थकों का मानना है कि दुनिया के कई देशों इजराइल, जापान, फ्रांस, रूस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका और यूरोपीय देशों सहित और भी देशों में समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ कई धर्मों और संस्कृतियों को मानने वाले लोग रहते हैं। इसलिए यूसीसी न केवल एक धर्म को प्रभावित करेगा बल्कि हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी और अन्य छोटे अल्पसंख्यक वर्ग भी इससे प्रभावित होंगे, खासकर आदिवासी आबादी, क्योंकि आदिवासियों के पर्सनल कानूनों को तो अभी तक दस्तावेजीकरण भी नहीं किया गया है। ऐसे में यह भी नहीं बताया जा सकता कि उनकी जमीनों पर क्या असर पड़ेगा, उनकी संपत्ति का क्या होगा। कुछ लोगों की तो अपनी नहीं बल्कि सामुदायिक संपत्ति है, तो उस स्थिति में क्या होगा। एक तरफ सरकार इस बिल के सभी फायदे गिना रही है, लेकिन जब तक इस बिल का कोई ड्राफ्ट नहीं आता, इस पर पूरी तरह विश्वास होना मुश्किल है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही, धन्यवाद।